एपिसोड में वेलकम बैक टू द चैनल। और आज यहाँ घर से क्यों चालू किया, क्योंकि फिर से धनो लेके जा रहे हैं, क्योंकि पैर आराम चाहिए। और लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं यार, आज मैंने देखा सारे अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो जल्दी से, यहाँ से नीचे उतरते हैं लाइक बंद करो, उससे पहले सब्सक्राइब और लाइक करो। लेट्स गो। सो आज गाड़ी जाने का दूसरा रीज़न वही था कि मेरे को ना एडिट करते करते एक बज जाता है, मतलब एडिट करके अपलोड करते करते और सब कुछ हमने लगा के, तो मेरे को नींद आती 6 घंटे की ही मिलती है, क्योंकि 7 बजे उनको सुबह हो के ऑफिस जाना होता है। तो या आज ट्राई करेंगे 9:30 से 9:45 तक वर्कआउट ख़त्म करने का। आज चेस्ट डे, मतलब पुश डे है अपना चेस्ट डे, और देखते क्या होता है। इतना 6 घंटे की नींद लेके मैं तुम लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब सब करें, सर सर सब करें जल्दी। ए मैं आऊँ जितने तू तो आई जाए जाए ओए छकली लोग ओए भाई ऐसे ऐसे ले ले ओए चल चल चल। हाँ मैं आता हूँ, दोनों का 40 से हेलो भाई, लेट्स गो फॉर द वार्म अप सेट। चेस्ट बेंच प्रेस विद द वार्म अप सेट। चलो बात भी नहीं कर रहे तो बड़े तू मारे लेग भाई, वहाँ मार रहा અહીંયા વધારે કોડ શક્તિ થાય ખબર તને, એટલે આટલું એક વાર ટ્રાય કર, બધું વજન થઈ નાખે એ નાખ અને પૈક માર ત્રેવી લેગ છે એટલે એબ્સ મારે આજ હા કોઈ નહીં ભાઈ છોડો એ લોકો ના વોર્મ સેટ હો ગયા 75 kg લેટ્સ ગો। આજ મેરે કો આ રહા હે તીનો મેં 10 10 10 લાઉંગા દેખના, ભલે યે શોલ્ડર ના દિમાગ ખરા હે के बाद हेयर कट करा के आया है बंदा, कितना बहुत लंबा था कम एकदम पप्पन बैठो ओए ये बाल कटा दे तो ना कटा दे। चलो लास्ट सेट, दो सेट में 10 10 मिले, ये वाला मिल गया तो नेक्स्ट टाइम 80 kg जाएंगे। ओके मशीन चेस्ट प्रेस टारगेट कंप्लीटेड।
नेक्स्ट टाइम से 80 kg जाएंगे भाई। पहले पहले देखो एक हफ्ते में एक रैक तो बढ़ ही रहा है मेरा, तो प्रोग्रेस बहुत सही हो रहा है। अब इंग्लैंड से मशीन प्रेस के डंबल में करने वाला हूँ, तो लेट्स गो। फ्लाइज की है पर रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरा अभी भी उस पर मेरा वो फॉर्म नहीं आ रहा, और मेरे को तुम लोग को गलत चीज़ नहीं दिखानी, ठीक है? क्योंकि अगर गलत चीज़ दिखाऊंगे तुम लोग वैसा करोगे जाओगे तो नहीं सही रहेगा। तो जैसे फिर परफेक्ट एक तो फॉर्म आएगा फिर दिखाऊंगा इस चैनल पर, तुम लोग को वेकअप टू रियलिटी मिलेगा, जो होगा वही दिखेगा, ठीक है? तो लेट्स गो, वी गो फॉर लेटर रेजिस और डंबल से करूँगा क्योंकि ये शोल्डर मेरे को जीजी कर रहा है, और लेटर रेजिस भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो भी भाई कमान यार, ये शोल्डर कब ठीक होगा? तुम लोग कुछ लिखो भाई अगर कुछ पता हो या कमेंट वमेंट कर सको तो शोल्डर के लिए। मूड ख़राब कर रहा है बट कमान लेट्स गो। ट्राइसेप एक रोप पुश डाउन का मारूंगा 3 sets और फिर ट्राइसेप पे जाएंगे। लेट्स गो। डबल प्रेस डाउन के पुश करने का ट्राई करेंगे 15, इस टाइम 10, 9, 8, 7 ऐसा कुछ मिला था, सब में 12 लाने का ट्राई करेंगे। आज पूरा स्क्वीज करेंगे क्योंकि यार ट्राई से फील हो रहा है, स्कल क्रशर में भी अच्छा फील हो रहा है। 3 sets मारे उसके। लेट्स गो। एक बात बताओ, ये छोटी से ना प्यार है मेरे को, प्यार है। सेम फीलिंग आती है भाई, यू नो।
उससे पहले 10 मारे थे ना उतने में मेरा एल्बो बहुत खींच रहा था, मैंने 8 एकदम क्लीन रैप्स मारे। ओके गाइस, तो अगर मैं कोई एक्सरसाइज कर रहा हूँ ना और तुम लोग नोटिस कर रहे हो कि इससे पहले के सेशन में लाइक फर्स्ट डे पे इस एक्सरसाइज में 10 या 15 रैप आए थे और आज मैं मारने का ट्राई कर रहा हूँ, तो नंदू को इग्नोर करना इसका आवाज़ है, तो मैं क्या बोल रहा था, पहले के सेशन में 10 या 15 रैप आए थे और इस सेशन में 8 ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा कमज़ोर हो रहा हूँ या कुछ हो रहा है। पहले सेशन में मैं घर जाके मेरा वीडियो देखता हूँ कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ या तो कहाँ पे मैं चीटिंग कर रहा हूँ, कि ट्राइसेप के एक्सरसाइज में मैं अपना शोल्डर का मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट ला रहा हूँ और वेट पुल कर रहा हूँ, तो उससे रैप्स बढ़ रहे हैं। मेरे को ये चीटिंग नहीं करनी है, हमको जाना है क्लीन ट्राइसेप की एक्सरसाइज, तो ट्राइसेप ही करेंगे। तो आज वो किया था अकेला ट्राइसेप पे पूरा, मतलब वेट लेके ट्राइसेप से ही पुश किया है और 8 क्लीन रैप्स आए, तो या प्रोग्रेस, चीट नहीं करना, ठीक है, तो एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो 2 दिन लेग्स और बैक डे पुल डे, या 2 दिन जितने अच्छे गए थे ना, जितना ख़राब दिन गया है, क्योंकि डंबल ओ एच पी पे यार एक बार ना मेरा डंबल थोड़ा ऐसे पीछे हो गया गलती से, तो इस पर जोर आ गया, तो पेन इज गॉन क्या बहुत जोर से आया है यार, और डंबल मेरे 8-8 ही लगे उसकी वजह से। लाइक मशीन पे मैं जब जो मेरा पूरा सेट मार रहा हूँ ना 70.5 से, और डंबल पे आ ही नहीं रहा, तो फिर मेरे से एक्सरसाइज नहीं हो रहा भाई। मैं अकेला मशीन करना चालू कर दूंगा, पर नहीं करना है इसमें, डंबल पे भी हम लोग को प्रोग्रेशन करना है, कोई नहीं नेक्स्ट टाइम से करेंगे, पर ये शोल्डर का कोई नहीं, वो दिमाग में रखेंगे और मारते रहेंगे। तो कीप काम, टॉक लाइक डू वर्क, बाय बाय।